नमस्कार। कक्षा 9 एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 10 हम आज कर रहे हैं, इसका दूसरा भाग। 64m³ माइनस 343n³। सबसे पहले तो मैं इसको एक परफेक्ट क्यूब बना लेता हूं ताकि इसको देखने में मुझे आसानी हो। कैसे? ये ब्रैकेट के बाहर मैंने क्यूब लिखा, अब मेरे को देखना है कि ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा। यहां एम क्यूब है तो सबसे पहले तो यहां लगा दो m। अब यहां एक संख्या लिखनी है जिसका क्यूब बन जाए 64। तो 2 दुनी 4 दुनी 8, 3 तिया 9 तिया 27, 4 चौके 16 चौके 64। इसका मतलब 4 का क्यूब होता है 64, तो यहां ब्रैकेट में आ जाएगा 4m। तो बन गया 4m³। 4 का क्यूब 64, m³ माइनस ये है 343 n³। क्यूब ब्रैकेट के बाहर, तो यहां n है, n³ है, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा n, ताकि n का क्यूब बन जाए n³। अब यह है 343। अब हमें पता करना है कि 343 किसका क्यूब होगा। देखो, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब होता है 2 दुनी 4 दुनी 8, 3 का क्यूब होता है 3 तिया 9 तिया 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का होता है 125, 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 7 गुना 7 गुना 7, 7 सात 49, 49 सात होता है 343। इसका मतलब ये 343 किसका क्यूब है? 7 का। तो ये आ गया 7n³। ठीक है बच्चों। अब हमारे पास ये एक सर्वसमिका है जो कहती है a³ - b³ बराबर होता है a - b इंटू a² + ab + b² के। ठीक है बच्चों। तो अभी जो हम लिख रहे थे 4m³ माइनस 7n³, ये बन गया a³ - b³। तो यहां से दिख रहा है a किसके बराबर है? 4m के। b किसके बराबर है? 7n के। तो a - b, a है 4m माइनस b है 7n। यहां अभी मैं बड़ी ब्रैकेट डाल रहा हूं क्योंकि अंदर छोटी ब्रैकेट्स बहुत आएंगी। अब है a² a का मतलब है 4m² प्लस ab, ab का मतलब a * b, b कितना है? 7n, प्लस ये इसी लाइन में है, प्लस b², b कितना है? 7n, 7n² अब हम इसे हल करेंगे। देखिए ये आ गया 4m - 7n, पहली ब्रैकेट में था, इसे ऐसे ही ब्रैकेट में रखेंगे। दूसरी ब्रैकेट में देखिए क्या बन गया। ये है 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, m² साथ में आ गया। उसके बाद है प्लस इंटू प्लस, प्लस 4 सते 28, m * n, mn, प्लस प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49, n² हो जाएगा n². तो इस प्रकार से आप देखिए, ये है 4m, ये है 7n, ये असमान पद हैं। इसी प्रकार से यहां देखिए, ये है m², ये है mn, ये है n², ये भी असमान पद हैं। ना ये आपस में प्लस माइनस होंगे, ना इनमें से कुछ आपस में प्लस माइनस हो सकता है। इसका मतलब जो हमें 64m³ - 343n³ का गुणनखंडन करना था, वो ये हमारे पास आ गया है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आया तो बच्चों प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपके लाइक करने से ही हमें और मेहनत से वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।